जिस उम्र में खेल कूद मौज मस्ती पढ़ना पढ़ाना है, उस उम्र में किसी ने बस्ता छोड़ परिवार संभाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जब भी आप जिंदगी से हारने लगो, एक के बाद एक असफलताएं लगातार आपका रास्ता रोकने लगे, चारों तरफ से मुसीबतों के पहाड़ आपको घेर ले, जब आपको लगने लगे कि अब साला जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, तब अपना YouTube ओपन करना और ये वीडियो फिर से देख लेना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके अंदर जबरदस्त आग लगाने वाला है। ये वीडियो हिंदुस्तान के उस इंसान के बारे में है, जिसे सुनने के बाद पहली बार मैंने जाना था कि अगर अंदर आग लगी हो तो इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसे सुनने के बाद हजारों लोग एक साथ रो पड़े थे। दोस्तों, उस बंदे की कहानी सुनते सुनते गैस करना कि वो बंदा कौन है, नहीं वीडियो के लास्ट में तो आपको पता लग ही जाएगा। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं भूल नहीं सकता वो दिन, 12 अगस्त 2014, फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के सेमिनार में बैठे हुए थे और सामने एक बंदे का वीडियो प्ले हो रहा था, जो एक बहुत बड़े सेमिनार में स्पीच दे रहा था। मुझे नहीं पता था वो बंदा कौन है, क्या है, कहां से है, लेकिन उस दिन उस बंदे को सुनने के बाद मेरी आंखों में पानी आ गया और आज वो बंदा मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो अंदर से बिल्कुल अकेला था। जब वो स्कूल लाइफ में था तो उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, कभी कभार उसके साथ वाले स्टूडेंट्स ही उसे पीट दिया करते थे, उसका मजाक बनाते थे। उस समय वो लड़का 10th स्टैंडर्ड में था और उन दिनों में ही उस लड़के के पिताजी का एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया और इस वजह से 10th क्लास में ही वो लड़का पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे पीसीओ पर बैठना। जब उस बंदे ने अपनी 12th कंप्लीट की तो फाइनेंशियल लेवल पे उसके फैमिली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ चुका था। इस वजह से 12th पास करते ही उस बंदे ने अपनी एक हेल्पलाइन ओपन की, जिसमें वो लोगों को बताने लगा कि 12th के बाद आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं और यहाँ से उस बंदे ने कमाए 4500 रुपए। दोस्तों, 4500 रुपए कमाना हो सकता है हमारे लिए एक छोटी बात हो, लेकिन एक बार सोच कर देखो, 18 साल की उम्र में जिस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, उसके लिए खुद के बिजनेस मॉडल से 4500 रुपए कमाना कितना बड़ा एक्सपीरियंस रहा होगा। दोस्तों, उसके बाद उस बंदे ने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ तक कि उसने खुद का लिक्विड सोप बनाकर भी बेचा, लेकिन हर जगह फेलियर मिला। फिर उस बंदे ने बीकॉम करने की सोची और किरोडीमल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पर वो मॉडलिंग और फोटोग्राफी भी करने लगा, लेकिन फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने 2 साल करके उसे भी छोड़ दिया और वापस फोटोग्राफी से पैसे कमाने लगा। दोस्तों, यहाँ पर वो बंदा फोटोग्राफी से 25 से 30 हजार रुपए कमा रहा था और ये बात है आज से 18-19 साल पहले की। एक बार सोच कर देखो, उस वक्त महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाना मतलब कि आज के 80 से 90 हजार रुपए के बराबर होगा। आज एक नॉर्मल इंसान को 10-15 हजार रुपए की जॉब भी मिल जाती है ना, तो वो 10-15 हजार रुपए में भी खुश है। लेकिन ये बंदा खुश नहीं था, इसके अंदर कीड़ा था कुछ बड़ा करने का। इस बंदे ने अपना कैमरा बेचा और फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और 11 महीने के अंदर 125 लोगों की टीम के साथ वो उस वक्त महीने के लगभग 1 लाख से ज्यादा कमाने लगा। लेकिन उस बंदे ने उस कंपनी को भी छोड़ दिया और खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ओपन की, लेकिन वहाँ वो बुरी तरह फेल हो गया। उसके बाद उस बंदे ने अपनी एक किताब लिखी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद उस बंदे ने वापस अपना कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी करना शुरू किया। वो बंदा वापस वहां से 30 से 40 हजार रुपए कमाने लगा। लेकिन दोस्तों, जिस बंदे को कुछ बड़ा करने की चुल मची हो ना, वो तब तक नहीं रुकता जब तक बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेता। इस बार उस बंदे ने फोटोग्राफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा और 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो शूट किए और फाइनली वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन वो बंदा वहां पर भी नहीं रुका और 2006 में इमेज बाजार नाम की एक वेबसाइट बनाई, जिसमें वो इंडियन मॉडल्स और फोटोग्राफर्स की तस्वीरें डालने लगा और उसके बाद उस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, आज इमेज बाजार वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है। अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये कहानी थी मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी की, जो अपनी वीडियो से लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं। और जिस वीडियो ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था, वो था उनका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। दोस्तों, इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनमें से 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अपने सपने बड़े रखो और लर्निंग पर ध्यान दो। जिंदगी में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार में एक बात कही थी, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, इस लाइन का मतलब अगर आप लोग समझ गए तो बहुत कुछ हासिल कर लोगे।
दूसरी बात, कुछ भी हासिल करने के लिए आपकी उम्र या आपकी कंडीशन मायने नहीं रखती। बस एक कीड़ा चाहिए होता है अपने अंदर जो आपको बैठने ना दे। और तीसरी बात, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कंडीशन जितनी ज्यादा खराब है आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में जो पावर, जो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी वो औरों से कहीं ज्यादा होगी। रॉकेट तेजी से वही ऊपर जाता है जिसमें पावर ज्यादा होती है। इसलिए अपने आप को लॉन्च करो कुछ बड़ा करने के लिए। फेलियर्स आएंगे तो आने दो, जितने ज्यादा फेलियर्स आपको मिलेंगे उतने ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके पास होगी, और यही एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको सफलता दिलाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना।